किनू महबूब कहा जाता है? बाबर साहब कुछ लोग कहते हैं कि महबूब उन्होंने कहा जाता कि जिन्होंने प्यार किया जाए, लेकिन ये तो होगी डेफिनेशन। ये साड़ा मसला हल करता सी अशफाक अहमद साहब ने, उन्होंने अशफाक अहमद साहब ने दे बेटा पढ़न दिया से अपनी वालदा बीबी बानो कुर्सिया को, तो उन्हें जो महबूब का लफज आया तो उन्हें कहा जी महबूब की डेफिनेशन की है, उन्होंने महबूब किनू कहते हैं? उन्होंने कहा जी जिन प्यार किया जाए, उन्हें कहा जी डेफिनेशन होगी, लेकिन महबूब कहते किनू? वो कहते आखिर बेटा भी तो अशफाक अहमद से ना, वो कहनियाँ बीबी बानो कि थोड़ा बेटा पढ़ नहीं रहा। उन्हें कहा कि गल है, आह मसला है जी। वो चूंकि साइंस का स्टूडेंट से, उन्हें कहा जी नहीं मैंने ये पहले दस महबूब हों कौन? वह कहना मैं पता से ना बीबी बानो पता से, असी सरकार नूर वाले लाहौर जोड़े उन्होंने को आए सवेरे सवेरे, तो दूरों ही बीबी बानो कुरशिया ने कहा बाबा जी महबूब किनू कहें? उन्होंने फरमाया जिसका ना ठीक भी ठीक लगे उसे महबूब कहते हैं, जिसका ना ठीक भी ठीक लगे उसे महबूब कहते हैं। उन्हें कहा वाजवा हूँ मसला हल हो गया, महबूब वही होंगे जिसका ना ठीक भी ठीक लगे, लेकिन महबूब तो ठीक ही करते हूँ, तो जो जो महबूब हों कहते नहीं कि तू ठीक नहीं किया, वो वास्ते तो ठीक ही होंगे। मलंग जो लफज है ना बाबर साहब, ये बड़ा डूंगा जहा लफज है। मलंग तो महबूब जरा ना वो हरगे आपस ना मिक्स ही होंगे ना मैच ही करते। मलंग जरा लफज है ना जी अक्सर असल साड़ी डिक्शनरी जेडे पंजाब के असी लोग हैं साढ़े हिसाब ना मलंग लफज कोई चोले पा लेना या कि अपना मिट्टी ने खेली जाना या कि अपना कोई लम्बिया तस्वीर गल च पा लेनिया या फकीर लिबास पाना बंदा मलंग नहीं होंगे। बाबर साहब मलंग पता की है? मलंग लफज मंग तो निकलिया, मंगता मैंने मंगता, मलंगा ने बच नून ला मड़ा दी, जेदा मैंने नहीं ला ला दा मैंने किया नहीं, उन्होंने कहा जा कि मलंग वो नहीं मंगते क्योंकि दुनिया नहीं मंगते, लेकिन वो मंगते भी रहते हैं क्योंकि अल्लाह तो मंगते, वो फिर दुनिया तो नहीं मंगते अल्लाह तो मंगते, जदों अल्लाह मंग तो मंगते अल्लाह दिता भी है। दुनिया चुन असी दुनियादार तो मलंग उन्होंने कहने लग पे ना जैसे कपड़े पाटे पाए उन्हें कहने मलंग हो गया या बूटी पीने लग पे चरस पीने लग पे मलंग हो गया, नहीं हरगज नहीं। मलंग वो होंगे जोड़ा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को मंगता है तो दुनियादारा को नहीं मंगता। वो मलंगा ने मंगते तो ही मलंग लफज बने हैं, उन्होंने दरम्यान च ला रख दी दुनिया के और अल्लाह के। बाबर साहब दुनिया के और अल्लाह दरम्यान च उन्होंने अपने जोड़े अल्लाह के बली अल्लाह के नबी उन्होंने एक पासे किया, अल्लाह पाक नूं एक पासे करके ते दुनिया नूं नीच जाणिया, उन्होंने तीन तलाकां देतियां दुनिया नूं। जदों कहिंदे कहिंदे ना ये बजुर्गां ने दीन दे नज़दीक जिहड़े अल्लाह वाले आ दुनिया एक हैज़ो नफास तों भी बुरी आ, इस करके वह नहीं दुनिया तो नहीं मंगते, उन्होंने अल्लाह ही दिंदा तो अल्लाह खांदे आ। इस करके मलंग की तारीफ यही आ कि जिहड़ा दुनिया तो नहीं मंगता अल्लाह तो मंगता उन्होंने मलंग कहा जाता है। फतूल लफज भी जड़ा है ये बारे भी तुम सू दसना पंजाबी माशाल्लाह बड़िया प्यारियां गल्ला कर रहे हैं डॉक्टर साहब अज ते फतूह के बारे। डॉक्टर साहब बाबर साहब जो लफज फतूह है ना ये मफतूह तो निकलिया, मफतूह फाते तो निकलिया। असल च लफज यह होंगे कि जोड़ा असं कहने ना कि फतूह की है फाते की है, फाते तो जैसे सू फतेह कर लिया फाते, फिर उन फतूह असी की कह मफतूह हो गए, मफतूह असी हो गए, मफतूह असी किन्हां दे होए जिन्हें सानू फातह किया? जदों असी किसी बैत किसी के होंगे ना दरवेश के उदों असी मफतूह हो जाने, बैत का मकसद ही है कि असी जी तुहाडे जेरे साया हैं, तो उन्होंने कबूल कर लिया उन्हें कि यह बंदा साढ़े जेरे साया है। फतूह वो है जिहड़ा असी उन्होंने लोग कहिंदे जी खरे पीरां नूं जग्गा टैक्स देंदे आ, खरे पीरां को पीर जिहड़े इन्हां कोलों की लै जांदे आ, नहीं वो फतूह इन्हों कहा जाता कि जिस तरह जजिया मुकर्र किया जाता सी गैर मुसलमान को लिया जाता सी, लेकिन जेड़े होंदे सी उम्मती वह भी अपनी चीज़ा देंदे सी, तो ये फतूह जिहड़ा है ना वो असीं कहने कि जेड़ा पीर नूं किसे अपने मुर्शिद नूं जां अपने दीनी आलम नूं किसे नूं कोई चीज़ देनी नजराना देना जिहड़ा असीं कहने आं वो फतूह कहा जाता कि असी नाल ते उन्होंने देखो ना अगर 10-20-100-50 रुपये जो भी देने वो देने तो नाल सिर नूं चुकाना कि दसना कि असी जी तुहाडे नूं तुसीं सानूं फादे कर लिया तुहाडे मुफतूह आ। उन्हूं फतूह कहिंदे आ देने वाली चीज़ नूं कि असी इन्हां नूं अगर कुछ दिंदे आ तो फतूह दिंदे आ, ते लेकिन खानकाही निज़ाम जिहड़ा ना बाबर साहब इहदी वजह नाल ही इस्लाम फैलिया।
पाकिस्तान भर इस गीत बल्कि पूरी दुनिया च फैलिया और अज भी अल्लाह वाले जो प्रोग्राम कर रहे हैं। और देखो इस वेले मैं अगले दिन बाबर साहब पता लगा और बड़ा ही मैं खुश भी होया और हैरान कौन भी गल हुई कि असी इत्थे नारे लाए जाने हैं तो दुनिया के सब तो ज़्यादा इस्लामी नाम इस्लाम जिहड़ा काम हो रहा न्यूजीलैंड हो रहा हालांकि वह गैर मुस्लिम मुल्क बेशक न्यूजीलैंड हो रहा तो असी जिहड़ा सऊदीया का नंबर गाल बने 103 आ कि 110 आ 103 नंबर आ ख्याल तो पाकिस्तान का पता नहीं किनवा है। तो ये गल है कि देखो सानू जिन्ना चिर असी इस्लाम दी चीज़ां नू अडाप्ट नहीं ना करांगे उन्ना चिर असी कुछ भी हासिल नहीं सानू होएगा। दुनिया दे विच रह के खाना पीना उठना बैठना सौना जागना वो जो सुन्नत दे ताबे होएगा अल्लाह दे नबी दी सुन्नत नू कबूल करांगे उहदे ते असर करांगे खुराक भी उस तरह दी खावांगे। देखो एक गल पहले थोनों गल सुनाई आ मौले फातां वाली इहो देखो गल इह आ कि जदों असी एक दूसरे नाल मुहब्बत करांगे एक दूसरे नाल प्यार करांगे ये ना करांगे कि खो खिच लाओ एक दूसरे कोल। हुकूमत नूं असीं कही जांदे आ कि देखो जी हुकूमत नहीं चंगी बिजली दा बिल बहुत भेजदे आ ते असली बिजली चोरी क्यों करदे आ। फिर असीं कही जांदे जी हुकूमत ने आ नहीं कीता असर रौला ते हुण स्कूल अगले दिन पता लगा जी कि पैप जाण चले गए मास्टरां तों तनखाह दे रही सी गौरमेंट लख लख दो दो लख रुपये तनखाह लेकिन उह काम नहीं सी कर रहे। हुण देखण वाली गल तो यह है ना कि अगर सब तो पहले तो सानू ठीक होना पड़ेगा कौम ठीक होएगी ठीक होणगे वरना नहीं होणगे क्यों वो साढ़े पिछों गए तो जो नीयतां साड़ियां खराब तो उन्होंने आप ही खराब वो भी यही उड़ीकते कि कोई फायदा होवे तो असं उतो फायदा करन जाइए तो फिर नाले बंदे नूं मिल आवांगे। पहला तो बंदियो तुसीं साडी फौज की उड़ीकदे आ फिर तो इलैक्शन कंपेन तुहाडी हो जाएगी तो अगों साडी भी नीयत यही आ जो कोई एम पी एम एल तो असीं बड़ा प्रोटोकॉल देने भावें साडे घर जनाजा पिया होवे असीं उहनूं भज के मिलदे हां। हालांकि हर इंसान आने वाला एक जहा ही होंदा वो जड़े आते जाते वह भी तो साढ़े बच्चों ही है ना साढ़े भैन भरा आ तो असं उन्होंने इस करके ना हर दोस्त ना अच्छा सलूक करना चाहिए। अल्लाह पाक सानू सब नू सुन सुना के इसे अमल करने की तबीकता फिर मैं रौला तो है बाबा साहब अमल का कि वह कहें ना इलम अमल त इश्क ये बड़ी मुश्किल इकट्ठे होंगे हैं जो हो जाए तो फिर सोने सुहागा हो जाता है लेकिन अल्लाह ने दुनिया के बहुत सारे ऐसे बंदे है जिन्हों को इलम भी है अकल भी है तो इश्क भी है तो अल्लाह तबारक तआला सब नूं सुन सुना के अमल करने तौफीक अता फरमाए वमा लैना इल्ला बिलागुल मुबीन। असीं अपने प्रोग्राम जिहड़े ने रूटीन वाइज इन्हां नूं असीं शेड्यूल करांगे तो डेली साढ़े फेसबुक पेज पर भी आउणगे तो यूट्यूब चैनल पर भी आउणगे। दोस्तों अगे गुजारिश है कि साढ़े चैनल नूं सबसक्राइब भी कर लेना लाइक तो शेयर भी कर देनी है।